मंगल चेतमान पंडित जी क्या बता रहे हैं, नाम से मिलते हैं वही मानो भगवान, हे भगवान वही है, माँ भगवती है, माँ भगवती कृपा हरि नाम से मंगल चेतमान आ जस बढ़े कीर्ति बढ़े हो सब धन धान, हे भगवान मेरे दरबार में सब धन धान होके आवे, हे भगवान जो यहाँ धन धान नहीं है वो यहाँ आने से धन धान हो जाए, वो भगवान की कृपा, उन्हीं के कृपा से हर भक्ति मिलती है, हर भाग हर भक्ति से मंगल ते कृतमान। भगवान कहते हैं कहाँ आए हैं, आज तो देव स्थल में देव देव दरबार है, देव दरबार हर नाम से मंगल ते कृतमान। आ जो नारी वृंद ऐसे करे उन्हें जल्दी देना भगवान, इस प्रकार की भक्ति से मंगल कार्य नाम आए ऐसे सस्ती से इनके जलते पूरन पूर भगवान, जिसे कहता है क से क पुआर है न तो सब चीज तो है ये है और वही सट्ठा है ना, ओकरे में तन भाव पड़ता है, वैसे टैबलेट है जिसे लोग कहते हैं कि बिना कपूर के आरती ना होला है ना, तो कपूर पूर परी तो कपूर मिली आरत के हित रहे न चेतु अपन हेतु, हे भगवान हृदय ललिता देवी हृदय हृदय में भगवान की भक्ति माँ भगवती की शक्ति रहती है, हृदय ललिता देवी उदरे सुर धारणी नाभो चिकामिनी रस्य जुहियम यक्षेश्वरी तथा, फिर वहीं आ जाइए उतना कार्मिका मेघम बुदे महिषा वाहिनी कटम्यम भगवती रक्षे जान नहीं बिंदुवासिनी, हे माता आप बिंध्याचल में रहती है ना, बिंध्याचल वाली मैया तो जिन्हें लोग कहते हैं हर शक्ति हर भाग्य से हर शक्ति का नाम, आज जिनके जिनके लिखा होगा वही ना पहुँचेंगे बिंध्याचल भगवान, हे भगवान अब तो मैया दरबार में मंगल से कृतमान आ यहाँ के स्थानों में माँ दुर्गा सभी को करेंगे कल्याण, तो ऐसे ऐसे मंत्रों की कामना का शक्ति से हर सुविधा मिलती है, हर कष्ट और दुख दलिदर भागती है, जिन्हें लोग कहते हैं अग्नि तमानस्तु शत्रु मदेव तोरण बीस में दुर्ग में चीव बरदस्त्रता नते समझाए थे किंच दृण संकटे, हे भगवान यदि मैंने जो काम में निकल गया रण में तो मेरा काम सफल कीजिए हनुमान, राम लखन हनुमान राम लखन हरि नाम से मंगल ते कृतमान, आ सब देवी देवों में करते हैं महा भगवान देव भगवान, जिन्हें लोग कहते हैं महा देव शंकर चरणा प्रेम सहित अनुराग असेवा सुंदर साथ के हरे विघ्न सबों का कष्ट दुख दर्द अपराध, बोलिए शंकर भगवान की जय, ऐसे ऐसे मंत्रों का भाव से मंगल ते कृतमान, जैसे जैसे दुखिया ने अपना मन फरमाया वैसे उसका कष्ट दूर हुआ भगवान, अब सुना वो ये मंत्र तो हम बहुत बोल दिए, तो भगवान अमृत पाते हैं, क्या पाते हैं अमृत, अमृत पाते हैं जो कि मृत होने से बचाव देवी देव की कृपा से होती है, हर नस हर कण में हर माताओं देवी देव का कृपा होती है, नहीं तो कहीं नस सुखल है हर काम सुखल है, तो शरीर नस चले थे नाश नारी नवस है ना, आ कबो न धरी कबस, भगवान के कृपा में हर सुविधा का भाई, हर भक्ति के नाम से मंगल से भगवान, आ जितने देवी देव के कृपा के लिए नाम लेंगे उतने स्वस्थ रहने का शक्ति देंगे भगवान, जो हड्डी लोभता है वो हड्डी तो पा जाएगा, हर हड्डी हर भाग से मंगल से कृतमान, और जैसे हड्डिया तो पाया न गड्डी लौटेगा भगवान, दिल में काबू होके चाहिए भगवान कहते हैं हाँ।
हड्डी हाँ दिया है। बाबा जी बोले जा रहे हैं, सब लोग अपना प्रवचन इन लोग का बाबा जी का सब लोग सुनते सुनते लेडीज बैठ रही है सब बारी बारी से आके। भगवान की लंबी बाह है, वो तो आप तक छकते नहीं पहुँचते नहीं, तो देंगे किसको? तो उनका अंश भक्ति में भगवान का हम मुआ फेर देते हैं। भगवान को उठावल लेवे के तो भक्ति उनको कोई कमी नहीं है, तो उनका अंश बन जाते हैं। जो इसमें गिराएगा उसी को न जमा रहेगा भगवान, भक्ति के नाम से मगो दान के नाम ऐसे ऐसे भक्ति के कामना से बूंदे बूंदे भरते हैं। और उस सब बाबा कैसे आ तो जो बूढ़ा के बूढ़ी के यदि आप जल दान करते हैं तो जल मान हरिनाम से मंगल ते कृष्णमान आए गए और देवस्थल में एक लोटा जल ही में मांगते हैं भगवान। क्या मांगते हैं? एक लोटा जल। तो मान ली जल लिए नल खराब रहते पल खराब रहते पूछो न खराब रहते भगवान के जल लिया के वो दान कर। तो नवरात्रा में एगो जाप से दान कर लो पर भगवान का भक्ति हृदय में बम बम रही है ना। तो लोग कहे का आ तो नहीं एक दिन में बने थे तो ये कैती आती रे सब है ना, तो कैसे कई रुपया तीन दिन दे दिल एगो डाब हो गए। अब तू पहनू देव तो तोरे नाम से रख रही चाहे वो पिए सब यही तू कह वीडियो वायरल कर का भाई पॉलिटिक्स के दिल्ली पूछो ना किलो खाली डा है ना। लेकिन आत्मा में कितना भक्ति आज ये सब को बदल के ले दे दे यदि जो पानी बन थोड़े यहाँ सुनते हैं। कल तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन हम किसी कारण से फंस गए थे, थोड़ा मम्मी के यहाँ चले गए थे, नहीं आ पाए, बहुत अफसोस हुआ। और इनको तो मौका मिला नहीं कि ये कुछ वीडियो बना पाते हैं, सारा काम तो इनको खुद कर रहा था, इनको करना मंगल है ना, मौका नहीं मिला था। चलिए फिर अगली बार हम कल कैसे कुछ और मिलेंगे ना, फिर शुक्रवार को चर्चा है तो हम लोग चर्चा में फिर मिलेंगे, फिर हम लोग नौ दिन का पाठ रखेंगे उसमें हम लोग मिलेंगे। अभी तो हम लोग सहारा मिल पूरा था, अभी 15 तारीख से जो लगातार प्रत्येक दिन हम लोग का जीत होगा, भजन होगा, माता एकदम समाहित रहेंगे, हम लोग का 9 दिन का उमंग रहेगा, फल पे रहते हैं ना, हाँ 9 दिन हम लोग फल पे रहेंगे, हाँ पूरा दिन फल पे रहते हैं, पाठ खत्म होता है तो हम लोग चाय पानी पीते हैं और पूरा दिन हम लोग फल पर रहते हैं, हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, हम लोग उसी फले पर रहते हैं। यूपी में तो अन्न खाया जाता है, नहीं नहीं यहाँ भी लोग खाते हैं लेकिन हम लोग जब शुरू से पकड़े थे ना तो हम लोग कभी मतलब कि खाते ही नहीं हैं, हम लोग मतलब सब दिन चाहे महंगा रहे चाहे सस्ता रहे चाहे जैसे रहे और पता ही नहीं चलता है कि कब हम लोग इतना काम हो गया। सुबह पाठ करके जाते हैं फिर तुरंत शाम 2-3 घंटा आराम करते हैं उसके बाद तुरंत शाम हो जाता है, फिर आरती कीर्तन भजन होता है, फिर रात में सोता है, मतलब 9 दिन का कुछ समझ ही नहीं आता कि 9 दिन काटा कैसे, नहीं पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता, इतना आनंद लगता है। लेकिन हम लोग को 1-2 दिन का पर्व आता है तो लगता है कि इतना काम कर रहा था कहीं मैंने क्या किया, मैं मेरा नाम आती है एकदम अपना सहारा दे देती है बच्चा लोग को, कुछ कहना ही नहीं, अभी मन आया हुआ है नवरात्रा पर लेकिन कितना आनंद लग रहा है। सभी लोग उमंग के साथ माँ दुर्गा का इंतजार कर रही हैं और ये भी अपना तैयारी में लग गई है, क्या कर रही हैं? ये
अभी माँ दुर्गा का सब तैयारी हो रहा है। ये कलश जो बैठाया जाता है पंडाल में वही लागे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या करिएगा अभी? वही उजला मार रहे हैं, फिर पीला मारेंगे, फिर लिखेंगे ओम स्वामी, फिर डिजाइन बनाइएगा ना। डिजाइन बनाएंगे। तो ये तो धूप का जरूरत नहीं है, तो हवा में ही सूख जाएगा ना? सूख जाएगा। तो एक दिन में कितना करती हैं? बस ये सब कर ही लेंगे घरी। अच्छा, इस समय से शुरू की है तो से सोच रहे थे, पर पानी आ गया तो नहीं कर पाए। वो क्या है, चूना है? नहीं, पेंट है उजला वाला। अच्छा, जो घर पेंट होता है। हाँ, फिर पीला मारेंगे। अच्छा, सभी आदमी जो भी जिस क्षेत्र में है, सभी लोग उमंग के साथ माँ दुर्गा का इंतजार कर रही हैं। इस बार तो पंडित जी अभी बताए ही कि हाँ, माँ दुर्गा हाथी पे आ रही हैं और मुर्गे पे जा रही हैं। चलिए, आने का आगमन तो बहुत शुभ का संकेत है। ये साल संवत हर आदमी के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और भगवान बाबा बोले कि चलिए, मुर्गा के लिए टेंशन नहीं लीजिए कि मुर्गा पे जा रही है, तो वो सब माँ जो हाथी पे आ रही है सब मिलाकर मेकअप कर जाएंगी। यही इनका पूजा का दुकान है, ज़्यादा सामान हम यहीं से ले जाते हैं। ये हमारे गांव का छोटा सा दुकान है। बच्चे लोग का तो अब नवरात्रि आ रही है तो उमंग हो गया है, अब पूरे दिन यहीं पर झूले में मस्ती करते रहना है इन लोग को। बस मौका मिल गया है मस्ती करने का, पूरा शहर में चहल पहल मचा हुआ है।